फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। माई सेल्फ डॉक्टर अमित गुप्ता। इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों की स्टडी बिल्कुल रुक गई है, जो नीट एंड JEE की प्रिपरेशन कर रहे थे, इंस्टीट्यूट जाते थे, पर लॉकडाउन होने के कारण उन लोग इंस्टीट्यूट नहीं जा पाए। कुछ लोगों ने मेजर टेस्ट भी नहीं दे पाए। तो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट्स की अलग अलग कहानियाँ बन गई हैं। कुछ लोगों ने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया, बट ऑनलाइन ज्वाइन करने के बाद भी उनको वो क्वेश्चंस नहीं मिले जिस क्वेश्चंस की उनको तलाश थी। तो बहुत सारी इस कमियां बची हुई हैं इस लॉकडाउन के कारण बच्चों की प्रिपरेशन में। इस प्रिपरेशन को कंप्लीट कराने के लिए या इस प्रिपरेशन में आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए आज मैं एक बहुत ही स्पेशल चीज़ यहाँ लॉन्च कर रहा हूँ, जो डेफिनेटली मैं इस बात को चैलेंज से आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आप नीट के थ्रू एम्स में जाना चाहते हैं, नीट में अच्छी रैंक लेके आना चाहते हैं, JEE मेंस में जाना चाहते हैं, JEE एडवांस में सिलेक्ट होकर IIT में जाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको ये सारी की सारी टेस्ट सीरीज के सारे एपिसोड्स आपको एक स्टेप आगे ला के खड़ा कर देंगे। इस टेस्ट सीरीज का नाम जो है वो है टेस्ट। ये वीडियो सीरीज है, इसका नाम है टेस्ट, और टेस्ट का मतलब है थिंकिंग एनहेंसमेंट सीरीज फॉर टॉपर्स। ऐसे स्टूडेंट्स जो JEE मेंस, एडवांस, नीट में अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, टॉपर बनना चाहते हैं, इस सीरीज में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो उनके ही काम के होंगे। ऐसे सारे के सारे क्वेश्चंस इसमें मैं आपको बताऊंगा, ऐसे स्पेशल क्वेश्चंस बताने वाला हूं जिन क्वेश्चन से आपका शॉर्ट में रिविजन भी हो जाए, एंड साथ ही साथ आपकी कंसेप्ट मेकिंग पावर में कुछ इंक्रीजमेंट हो जाए। मीन्स मेन पर्पज है थिंकिंग एनहेंसमेंट करना। इसके अलावा ये जो क्वेश्चंस मैं इसमें बताने वाला हूँ, तो मैं अलग अलग फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलग अलग टॉपिक्स के बताने वाला हूँ। डेली इसका जो एपिसोड हुआ करेगा, उस एपिसोड में मैं आपको कुछ स्पेशल क्वेश्चंस कराऊंगा, वो अलग अलग टॉपिक्स के होंगे। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आपने उस टॉपिक को पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है। और नॉर्मल बेसिक नॉलेज भी है, अगर आपको उस टॉपिक के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, उसकी ट्रिक आपको समझ में आएगी, और क्वेश्चंस अगर वो आएगा तो मेरे ख्याल से 10 से 20 सेकंड में हो भी जाएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, ड्रॉपर, ये चारों के चारों कैटेगरी के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट सीरीज को। टेस्ट सीरीज है, बट इसमें टेस्ट अलग टाइप से होगा। आपको अपने ब्रेन का टेस्ट करना है, ब्रेन को एनहेंस करना है, और कमेंट में आंसर देना है। मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको किस तरीके से उसका टेस्ट का टेस्ट बनाकर आंसर देना है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। आज मैं जो आपको कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं वो रे ऑप्टिक्स का है, फिजिक्स की रे ऑप्टिक्स का। अगर रे ऑप्टिक्स की मैं बात करूं तो रे ऑप्टिक्स में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। लेंस वाला पार्ट होता है, मिरर वाला पार्ट होता है, एंड इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट होता है। तो जनरली बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपने देखे होंगे, किए भी होंगे, बहुत सारी बेसिक नॉलेज भी आपको होगी, और बेसिक नॉलेज तो 10th क्लास से स्टार्ट हो जाती है रे ऑप्टिक्स की। तो बात करें, इसमें एक लेंस है, ये नहीं पढ़ना है अपन को इसमें कि कौन सा लेंस है। एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये नहीं पढ़ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो इस कॉन्वेक्स लेंस में कि इधर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एंड इसकी जो इमेज बन रही है वो इमेज बन रही है, दैट इज ऑब्जेक्ट, दैट इज इमेज। इस डिस्टेंस को अपन मान सकते हैं, मानते ही हो गए आप लोग u, ये v। बेसिक क्वेश्चंस आपने किए होंगे कि v निकालना है, तो वन अपॉन f इज इक्वल वन अपॉन v माइनस वन अपॉन u। तो ये क्वेश्चन नहीं, अपन को यहाँ कुछ हायर लेवल की थिंकिंग के अप्रोच करना है। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मैं इस लेंस के हाफ पार्ट को कट कर दूँ, मैंने इस लेंस के आधे पार्ट को कट कर दिया है, तो इस इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस बनने वाली इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। 3 ऑप्शंस हैं,
इमेज इमीजिएटली डिसअपियर हो जाएगी। सेकंड, इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब नो चेंज। एंड थर्ड इज, इमेज सेम टू सेम वही रहेगी बट उसकी इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी, मतलब इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी। आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सोच लिया होगा, और जिन्होंने नहीं सोचा होगा तो उनके लिए अपन अभी डिस्कस करने वाला हूँ, बट थोड़ा अलग तरीके से सोचना है। चलिए बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की इमेज पूरे लेंस से बन रही थी, बोल रहा है कि लेंस को उसने हाफ कट कर दिया है, लेंस को हाफ कट कर दिया है तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखते हैं कि मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा हुआ है, यहाँ से देख रहा है, तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में इस तरीके से आपने स्टडी की होगी, तो कॉन्वेक्स लेंस जो लाइट रेज होती है उनको एक सेंटर पर फोकस्ड कर देता है, और ये लाइट रेज रुकती नहीं है और ये चलती चली जाती है, चलती चली जाती है। और मान लीजिए जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर ये रहा, तो उसको दिखेगी, आंसर क्या हुआ, तो आंसर हुआ इमेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नो चेंज, मतलब जैसी इमेज थी वैसी की वैसी रहेगी इस ऑब्जर्वर के लिए। बट जल्दबाजी में आके आंसर नहीं देना, ये आंसर सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये आंसर एकदम सही है, नो चेंज, बट हो सकता है ऑब्जर्वर यहाँ पर हो, कोई ऑब्जर्वर है, इसका नाम टू है, ये ऑब्जर्वर वन है, ऑब्जर्वर यहाँ है, तो उसके लिए क्या होगा, तो उसके लिए उसको इमेज आ कहाँ से रही थी, उसके इमेज के लिए लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, और ये लाइट रेज कहाँ से आ रही थी, ये लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, यहाँ से कन्वर्ज होती और यहाँ पर पहुँचती, बट पहुँचने से पहले यहाँ पर देयर इज नो मैटर, यहाँ कोई लेंस नहीं है, यहाँ कोई डेंसिटी चेंज नहीं हुई है, रेयर और डेंस मीडियम का चेंजमेंट नहीं है, इस कारण से क्या होगा, लाइट रेज चलकर नहीं जाएंगी, तो ऑब्जर्वर टू के लिए आंसर क्या हो जाएगा, राइट, डिसअपियर, तो आंसर इसका डिसअपियर भी है और नॉट चेंज भी है। और एक चीज सोच सकते हैं कि मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर थ्री इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ऑब्जर्वर थ्री इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर देख रहा है, तो इमेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर यहाँ से सोचे तो, अगर आप यहाँ से इस चीज़ को सोचेंगे तो इस पे इसकी जो आईज थी उस पर जो इमेज प्रिपेयर हो रही थी, वो इमेज प्रिपेयर होने के लिए कुछ लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, कुछ यहाँ से भी आ रही थी, और अधिकतर तो बीच में से आ रही थी, तो इसके मामले में ऐसा बोला जा सकता है कि इमेज पूरी की पूरी बनेगी बट इंटेंसिटी कम हो जाएगी, मीन्स आंसर ये भी सही है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चंस के ऊपर आपकी थिंकिंग अप्रोच क्या हो सकती है, उसके आंसर्स कितने हो सकते हैं, किस किस टाइप से हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको सोचनी होंगी, समझनी होंगी, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप वही प्लेन मैटर पे चलते रहेंगे कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन किया, तो आईआईटी एडवांस या नीट के भी कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, जेडब्ल्यू मेंस के भी कुछ अच्छे लेवल क्वेश्चंस नहीं होने वाले। आपको अपनी थिंकिंग को थोड़ा एनहेंस करना पड़ेगा, थोड़ा अच्छे लेवल की थिंकिंग रखना पड़ेगा, हायर थिंकिंग क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा, और हायर लेवल थिंकिंग के क्वेश्चंस को कभी भी आधा घंटे लगकर सॉल्व नहीं किया जाता है, हायर लेवल थिंकिंग क्वेश्चंस को स्मार्टनेस के साथ सॉल्व किया जाता है, जिस तरीके से इसमें सोचा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में उसने ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था कि ऑब्जर्वर कहाँ था, तो इसके आंसर तीनों हो जाएंगे, मतलब आंसर चौथा ऑल जाएगा।
अगर वो ऑब्जर्वर की पोजीशन देता है 1 2 3 लिख के वहाँ मार्क करके अगर आपसे पूछता है, तो आपको इस प्रकार टाइप से 3 अलग अलग ऑप्शंस के अलग अलग आंसर्स हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें, और सभी के आंसर अलग अलग है। जिन लोगों ने रट रखा है कि इमेज देखेंगे और इंटेंसिटी घट जाती है, वो इस क्वेश्चन में हायर लेवल थिंकिंग नहीं रख सकते। तो इसलिए रटना छोड़िए और थोड़ा ये सोचिए कि हम किस तरीके से हमको अपनी थिंकिंग को रखना है। एक और नई क्रिएटिविटी अगर बोला जाए, रे ऑप्टिक्स में बार बार स्क्रीन 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 आता है, बार बार स्क्रीन बार आता रहता है। तो सर हम अगर यहाँ स्क्रीन लगा दें, कोई नई चीज़ लेके आए, स्क्रीन लगा दें तो क्या होगा? चलिए ठीक है, स्क्रीन लगा दें यहाँ पर। तो स्क्रीन लगने के बाद जब इमेज यहाँ पर पड़ेगी तो लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, इमेज की लाइट स्कैटर्ड हो जाएगी, इसमें फैल जाएगी, और उस कंडीशन में इसकी क्या होगी? इंटेंसिटी कम होगी। तो इस कंडीशन में भी इसका आंसर इंटेंसिटी कम होगा। तो सर इस वाले और इस आले का आंसर सेम है या कोई डिफरेंस है? आंसर सिंगल वर्ड में अगर बात की जाए तो आंसर सेम है, बट अगर थोड़ा और अगर आप डीप में जाएंगे और डिफरेंस की बात करेंगे, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि ऑब्जर्वर थ्री की नज़र से अगर आप देखोगे तो ऑब्जर्वर थ्री की नज़र से आप देखोगे तो ऑब्जर्वर थ्री को सिर्फ यहीं पर रहना होगा, तब आंसर ये जाएगा। जबकि अगर आपने स्क्रीन लगा ली है तो इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, बट आप कहीं से भी देख सकते हैं। स्क्रीन लगाने के बाद आप कहीं से भी देख सकते हैं, जबकि तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और ऑब्जर्वर थ्री के केस में सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस से ही इंटेंसिटी डिक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको आप स्मार्टनेस के साथ सॉल्व कर सकते हैं, जिनमें बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। आइए ऐसे ही दूसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। जिस टाइप से ये क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन को सोचना है, इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं और उनके बारे में सोच सकते हैं। मैं आप लोगों को एक और दूसरा ऐसा ही स्पेशल क्वेश्चन दिखाता हूँ, तो उसके बारे में अपन देखते हैं। आइए इसी सीरीज़ में मैं आपको रे ऑप्टिक्स का एक पार्ट होता है लेंस और दूसरा बड़ा पार्ट होता है मिरर, तो कम टाइम में कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें, तो ऐसे ही मैं आपको एक और स्पेशल क्वेश्चन आज दिखाता हूँ मिरर का। ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है, देखने में इजी लगता है, बट अभी मैं आपको दे रहा हूँ, आप खुद इसको देखिएगा। आइए मान के चलते हैं ये टू प्लेन मिरर है, हिंदी में बोलते हैं समतल दर्पण। ये टू प्लेन मिरर हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे के सामने हैं, बोला जाए तो दोनों के बीच में 0 डिग्री है, कोई एंगल नहीं है। एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस मिरर वन, ये मिरर वन है, ये मिरर टू है, मिरर वन से 3 सेंटीमीटर है एंड मिरर टू से 5 सेंटीमीटर है। मिरर वन से 3 सेंटीमीटर है एंड मिरर सॉरी मिरर वन से 5 सेंटीमीटर है एंड मिरर टू से 3 सेंटीमीटर है। तो इस कंडीशन में वो पूछ रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटल इमेजेस। बताइए, ऑप्शन है फर्स्ट 2 इमेजेस बनेंगी, सेकंड 4 इमेजेस बनेंगी, थर्ड 0 बनेगी, कट हो जाएंगी दोनों एक दूसरे से, एंड फोर्थ इज इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। ये क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का, मेरे ख्याल से तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आप में से कई लोगों ने इसका भी आंसर सोच लिया होगा, तो आंसर इसका सोच लिया होगा, आंसर है इसका इनफाइनाइट। जब भी टू प्लेन मिरर एक दूसरे से के सामने 0 डिग्री पर होते हैं, उनके बीच में ऑब्जेक्ट चाहे किसी भी डिस्टेंस पर हो, तो उनसे ऑलवेज इनफाइनाइट इमेज बनती है, चाहे डिस्टेंस बोल के वो आपको ये वाली डिस्टेंस देके कंफ्यूज करे या कम ज़्यादा करके दे। तो एक प्लेन क्वेश्चन है, ये प्लेन मिरर का प्लेन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन शायद आपको पता होगा और सुना होगा या आपको इसका आंसर पता होगा।
बट इसी में जब वो थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ता है तो वो क्वेश्चन का तरीका थोड़ा सा बदल देता है। वो पूछता है कि अगर इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, अगर इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी तो इमेज वन मीन्स ये रही इमेज वन इसकी, और इसकी इमेज वन ये रही, इमेज वन तो इसकी 5 सेंटीमीटर पर बनेगी और एंड इसकी इमेज वन 3 सेंटीमीटर पर बनेगी, कोई भी बता देगा। बट वो पूछेगा जब इनफाइनाइट बनेंगी तो फिर वन वन तो ये रही तो टू टू कहाँ होगी, सेकंड इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी, सेकंड बता भी दिया दिमाग लगा लोगों के, थर्ड कितनी पर होगी, नहीं बता पाएंगे थर्ड इतना इजीली, फोर्थ कितने पर होगी, फिफ्थ कितने पर होगी, सिक्स्थ कितने पर होगी, ऐसे इस साइड मिरर टू की फर्स्ट इमेज कितने पर होगी, मिरर टू की सेकंड इमेज, थर्ड इमेज, फोर्थ इमेज, इनकी अलग 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 डिस्टेंस बताइए। क्वेश्चन ये है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो चाहे वो कोई सी भी इमेज पूछ ले आप मेरे ख्याल से 10 सेकंड में बता देंगे। कैसे, तो देखिए पहले तो ये समझ लीजिए इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं तो बहुत सारी इमेजेस सच में बनती हैं और उसका हक बनता है कि वो आपसे पूछ ले कि जब पहली है तो दूसरी बताओ, तीसरी बताओ, तो कैसे डिस्टेंस पता करेंगे। तो इसका जो तरीका है, थ्योरेटिकल तरीका है, आप उसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे वो काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, इसका अच्छा खासा सॉल्यूशन होता है। इसमें से रेस चलती है, यहाँ से चल रही है रेस, फिर वो रेस यहाँ टकराएगी तो फिर वो उसको बैक करते लाएंगे, वो इसमें मिल जाएगी, तो इस तरीके से सेकंड इमेज बनेगी, फिर ये रेस यहाँ आएगी तो इससे थर्ड बनेगी, ये बैक करके लाएंगे तो यहाँ बनेगी, इसकी सेकंड होगी, इस तरीके से उसकी कहानी बनती है कि रेज टकराती जाती हैं, उनके बैक साइड में इमेजेस क्रिएट होती जाती हैं। बट इससे हमें कुछ नहीं करना, इससे डिस्टेंस नहीं पता पड़ पाएगी ऐसे, और एक इमेज एक रेज मैं बता सकता हूँ बट रेज इनफाइनाइट निकलती हैं, अच्छा खासा इसका सॉल्यूशन होगा। तो आइए बात करते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि इमेज सेकंड थर्ड फोर्थ इमेज कितनी कितनी डिस्टेंस पर होगी। तो इसके लिए एक बहुत शानदार सी ट्रिक है जो आप खुद एनालिसिस करेंगे, जब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस ट्रिक को बनाया है तो आप भी बना सकते हैं वो ट्रिक, बट मैं आपको लिख के दिखाता हूं कि कैसे आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए बात करते हैं M1 एंड M2, टू मिरर्स हैं, इनकी फर्स्ट इमेज मतलब I1 की डिस्टेंस क्या है, तो M1 की I1 बन रही है 5 सेंटीमीटर पर और M2 की I1 बन रही है 3 सेंटीमीटर पर। वो पूछ रहा है I1 तो कोई भी बता देगा, I2 बताइए, M1 की I2 सेकंड इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी और M2 की सेकंड इमेज कितनी डिस्टेंस पर होगी। तो देखिए M1 की सेकंड इमेज के लिए मैं बताऊं, M1 की फर्स्ट इमेज थी इस वाले ऑब्जेक्ट के कारण, सेकंड इमेज होगी इस वाली इमेज के कारण, तो इस इमेज से आप टोटल डिस्टेंसिंग चेक करेंगे तो 5 और 3 8 और 3 11, तो टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ से आप चेक करेंगे M1 5 और 3 8 8 और 3 11 11 होगा ना, तो यहाँ से 11 सेंटीमीटर पीछे तो 11 इसका आंसर आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर पर M2 होगी। कैसे करना है हमको इसको, तो कैसे करने के लिए इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस है टोटल 8 सेंटीमीटर, 5 और 3 8 5 और 3 8, तो इसमें आप 8 जोड़ देंगे तो 11 हो गया, इसमें भी आप 5 और 3 8 मतलब 8 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13, तो ये इनकी I2 है। आप चेक कर लीजिएगा कि I2 इमेज जो है दोनों की 11 एंड 13 पर आएगी, बट अपन को ऐसे हिसाब लगा के नहीं करना कि आप कन्फ्यूज़ हो जाए, सीधी सी ट्रक है, बीच की टोटल काउंट कीजिए 5 प्लस 3 8, तो 8 सेंटीमीटर आप जोड़ते जाइए, 5 में 8 8 जोड़े 13, 3 में 8 जोड़े तो
ग्यारह i3 बताइए। ओके ऐसे ही करते जाएंगे। i3 के लिए 13 और 8 21, 11 और 8 19। वो बोले i4 बताइए। अच्छा बता देंगे i4। i4 के लिए 21 और 8 29 और 19 और 8 27। तो इस तरीके से आप कितनी भी इमेज बता सकते हैं, i5 भी बना सकते हैं, i6 भी बता सकते हैं, कोई सी भी इमेज बता सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, चाहे वो आपसे किसी भी इमेज की डिस्टेंस पूछ लेगा, आप इस तरीके से बताएंगे गलत नहीं होने वाली है। चेक कर सकते हैं, i2 को चेक कर लीजिए, बहुत इजीली चेक कर सकते हैं। m1 के लिए i2, तो m1 के लिए i1 ये है, वो इसकी वजह से है। तो m1 के लिए i2 इसकी वजह से ये, अरे भाई सी से में देखेगा ना ये, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 और 3 8 और 3 11, तो 11 यहाँ से 11 सेंटीमीटर पे, तो 11 सेंटीमीटर पीछे होगा। तो चेक कर लीजिए m1 के लिए i2 11 पे। चलिए चेक कर लेते हैं m2 के लिए i2 क्या होगी, m2 के लिए i2 क्या होगी। तो m2 के लिए i2 होगी किसकी वजह से, ये भी पता होना चाहिए। तो m2 के लिए i1 थी इसकी वजह से। i2 किसकी वजह से होगी, इस इमेज की वजह से। ये इमेज इस शीशे में दिख रही होगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 और 3 8 8 और 5 13, तो 13 सेंटीमीटर पीछे होगी, 13 होगी। ऐसे ही आप आगे का भी चेक कर सकते हैं, बट चेक करने का कोई फायदा नहीं है, ना एग्जाम में चेक करना है। 10 सेकंड लगाना है, इस तरीके से लाइन खींचना है और आप आंसर निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही प्यारी ट्रिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इस तरीके के क्वेश्चंस हायर थिंकिंग अप्रोच में आते हैं और मेरा पर्पस है कि आप लोग इस सीरीज, टेस्ट सीरीज से अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा एनहेंस करें, अपने पढ़ने के तरीके को थोड़ा बदलें। हर सब्जेक्ट में आपकी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि आप उसके एनालिसिस को देख पाएँ। आप सिर्फ क्वेश्चन करने पे, फॉर्मूले पे फोकस ना करें, एनालिसिस कैसे करना है, क्वेश्चंस को का आउटपुट कैसे देना है मुझे अपनी तरफ से, कि क्वेश्चंस के आंसर में मैं अपना आउटपुट दे सकूँ। अलग अलग तरीके से सोचना है। और इसका एक बहुत छोटा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा और अच्छा करना चाहते हैं, तो शायद आपको हो सकता है मेरी बात पे यकीन ना हो, बट आप करेंगे उसको कंटिन्यू, 1-2 महीने तो हो जाएगा। आप बुक की रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। बुक की रीडिंग करने से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे, वो बेनिफिट्स मैं आपको बाद में बताऊँगा। अभी मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बाद में बताऊँगा। बुक की रीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं जो इस क्वेश्चन से या इस कंसेप्ट से रिलेटेड हैं, इसलिए ये बात आई। चलिए लास्ट मैं आपको एक और ऐसा ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि हमारी टेस्ट जो सीरीज स्टार्ट हुई उसका नाम ये थिंकिंग एनहेंसमेंट। तो अपनी थिंकिंग को एनहेंस करने के लिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये क्वेश्चन मैं नहीं करने वाला, ये मैं सीरीज के टेस्ट 2 में बताऊंगा, बट आप कर सकते हैं मेरे करने से पहले। बहुत बेसिक कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी है, और मैं आपको इस बात को डैम श्योर होकर बोल रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 2 प्लेन मिरर हैं, 2 प्लेन मिरर हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में पूछा जाए, तो ऑब्जेक्ट जो है 10 डिग्री मिरर 1, इसका नाम रख देते हैं मिरर 1, इसका नाम रख देते हैं मिरर 2। मिरर 1 से 10 डिग्री पर है एंड मिरर 2 से 20 डिग्री पर है। मेरा क्वेश्चन है सेम पहले जैसा, कि हाउ मैनी नंबर ऑफ टोटल इमेजेस, इस ऑब्जेक्ट की टोटल इमेजेस कितनी होंगी, इन 2 मिरर के बीच में टोटल इमेजेस कितनी होंगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर आपने बता दिया कि टोटल इमेजेस कितनी है, तो मेरा दूसरा क्वेश्चन पहली बार की तरह ही है कि दूसरी इमेज कहाँ होगी, पहले वाले से कहाँ होगी, दूसरे वाले से कहाँ होगी। जैसे यहाँ पर डिस्टेंस की बात चल रही थी, बट ये एंगुलर क्वेश्चन है, एंगल पर 2 मिरर हैं, तो यहाँ एंगल की बात चलेगी, कि
एम वन की फर्स्ट इमेज 10 डिग्री पर होगी तो सेकंड इमेज कितने पर होगी, एम टू की फर्स्ट इमेज 20 पर होगी तो सेकंड इमेज कितने पर होगी, सेकंड बता दोगे तो थर्ड कितने पर होगी। तो सेम ये क्वेश्चन आपको मुझे बताना है, ओके। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको कल की टेस्ट सीरीज का सेकंड एपिसोड जो कल शाम को 7 बजे आपको वापस देखने को मिलेगा उस पर मैं बताऊंगा। बट मैं चाहता हूं कि उससे पहले आप अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा एनहेंसमेंट दीजिए और आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बता दीजिए, ओके। और कल फिर से वापस इसी टाइप के कुछ और स्पेशल सुंदर सुंदर क्वेश्चंस जो आपके बहुत ही काम के होंगे, जिनसे आपका रिवीजन भी होगा और आपको थोड़ा सा थिंकिंग को एनहेंस करने में भी हेल्प मिलेगी, वो क्वेश्चंस कल मैं आपको लेके आऊँगा। और वीडियो को एंड करने से पहले लास्ट बार फिर बोल रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चंस में ये वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बेस पर क्वेश्चन एम्स में पूछा जा चुका है, JEE मेंस में पूछा जा चुका है और एडवांस में भी पूछा जा चुका है, इनसे ही मिलता जुलता क्वेश्चन। और क्वेश्चंस के पैटर्न को देखते हुए, पुरानी क्रोनोलॉजी को देखते हुए, खासकर इस साल किसी ना किसी एग्ज़ाम में इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है मेरे हिसाब से, ओके। तो कल आप मुझे इसका आंसर कल क्या आप मुझे कमेंट में आज ही दे दीजिएगा रात तक, या फिर जल्द से जल्द आप मुझे इसका आंसर दीजिए, कल मैं इसका आंसर बताऊंगा, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है, ओके। तो मिलते हैं कल टेस्ट एपिसोड 2 में ठीक शाम 7 बजे। थैंक यू।